आपके ऑफिस में आग लगी। एग्जैक्टली हुआ क्या था? गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। क्या कर रहे हो आप? मम्मा बुला रही ना इधर, अंदर से लगा लेती तो हम कैसे खोलते बेटा, ये इतनी पास ही में है। ये लोग लगा लेते हैं दोस्तों, पता है, क्योंकि मैं वॉशरूम जाती हूँ ना, भाग भाग के मुझे जाना पड़ता है। मैं नहाती हूँ तो फिर ये गेट बंद करती हूँ, तो ये लोग बाहर से बंद कर देते हैं। अगर दीद या मम्मी कोई घर पे ना हो तो मुझे बंद ही कर देंगे लोग, बिल्कुल इनके बीच में। आ जाओ झाड़ू लगा के फिर नहाई नहीं करेंगे अपन, दोई दोई आ जाओ। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते। ये है उबले आलू और होम मेड पनीर। तो भाई अब मैं सीख चुकी हूँ घर पे पनीर बनाना, तो जब भी दूध फट जाता है तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। मैं ऐसे ही काम करती हूँ आजकल। तो बेसिक चीजें ही जानेंगे, हरी मिर्ची वगैरह नहीं डालेंगे, बच्चों के मुंह में आता है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देते हैं, धनिया ज्यादा डाल देते हैं और नमक डाल के इसके कोफ्ते बनाएंगे। अब इसी को शायद मलाई कोफ्ते कहते हैं या नहीं, मुझे भी नहीं पता। दोस्तों आज इतने अच्छे नहीं बने, ये मैंने पहले बनाए हैं, बहुत स्मूथ बनते हैं ये। और अगर मैं कीसती ना, मुझे मिल नहीं रहा था कीसने के लिए आलू, और बच्चे परेशान कर रहे थे, और मेरे पास कॉर्नफ्लोर का आटा नहीं, तो मैंने ये चावल का आटा लिया है। इसमें रैप करके हल्का सा, या अंदर भी डाल सकते हैं, अंदर जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैं वही देख रही थी। दो मिनट डाल के देखे हैं कि अच्छे से सिक रहे हैं या नहीं सिक रहे, क्योंकि रेगुलरली बनाते नहीं। मैंने बच्चों के भी होने से पहले एक दो बार बनाया था तो बहुत अच्छे बन के आए थे। ग्रेवी हम अपनी पसंद की ले सकते हैं, मैं वो बादाम प्याज टमाटर वाली लेती हूँ, लेकिन टमाटर समझ नहीं आ रहा इस मौसम में, हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ख़राब आते हैं। अब देखते हैं ग्रेवी कैसे बनेगी। ये अच्छे से बन जाए, पक गए, टूटे नहीं है, मुझे वही डर था कि टूटेंगे तो नहीं, पर और स्मूथ बनते, बहुत स्मूथ दिखते हैं। मैंने जल्दी जल्दी में काम चलाऊ काम किया है, आपसे क्यों झूठ बोलूँ। बच्चे नीचे ही खड़े रहते हैं, बड़ा डर लगता है बनाने में। आप खाना बनाने आए हो क्या? यहाँ पे खाना बनाने आए हो आप? क्या काम है आपका? क्यों आए यहाँ पे? नीचे सब बर्तन बिखेर देते हो, हम दिखाएं तो सब बोलेंगे कि इतना अनऑर्गेनाइज रखते हो, है? सुनते नहीं हमारे। एक और सेनापति आ रहा है हमारा। क्या ये कड़ोई चम्मच कहाँ से लेके गया? क्यों लेके गए? अभी पिया था ना मम्मा? पिया था या नहीं पिया था? आजा 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 आजा। हाँ फ्रेंड्स आजकल फ्रिज खोल लेते हैं यार, ये बड़ा दिक्कत है। क्यों खोलते हो तुम फ्रिज? अच्छा यहाँ आग लगी थी रात को, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी रही होगी, ये आग तो लगी, ये देखो ये आग लगी है, एक एक बायर, और जी ये देखो है ना, उसकी वजह से ये अगर हम देखेंगे ना, ये देखो, और मैं अगर दिखाऊं तुमको, जो कि ये देखो ना, एक ही नहीं है ये सब आपस में है, ये है देखो। हालांकि इसको चालू करा है मैंने फिलहाल के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में नेट ऑन करना था हमको। अब आपको थोड़ा बेसिक देता हूँ, जो लोग नहीं समझते होंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर्स की, ये मीडिया कन्वर्टर है जो फाइबर को लैन में कन्वर्ट करता है। ये लैन में कन्वर्ट हो रही है, ये ऑप्टिकल फाइबर वहाँ गई है दूसरी लोकेशन पर। ऐसे करके हमारे पास चार पाँच इंस्टीट्यूट हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जो है ना आपको दिखाता हूँ साथ में। ये देखो ये जो जला हुआ है, ये देखो ये जो जला हुआ है, इतनी भयानक रही होगी। इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों लगी आग, है ना, वो समझ में तो नहीं आ रहा, मगर ये देखो अंदर दिख रहा है आपको, ये तो टूट गई है फाइबर, ये कट गई है, दो टुकड़े हो गए, उसको सही कराएंगे हम। ये देखो कट गई है, ये जो कट गई है, तो ये नुकसान तो ठीक है, मगर ये है एक चीज़ इसमें मुझे जो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, ये माता रानी का आशीर्वाद दिख रहा है। मैं इसको आशीर्वाद ही कहूँगा भगवती का, कि इसके बावजूद आग फैली नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे सब कागज़ है रखे, पूरी फाइलें हैं, लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है, ये वायर आग पकड़ते हैं, तो पूरे में वायरिंग है देखो चारों तरफ,
यहाँ तक आती वायरिंग, सब में फैलती हैं। ये सब लैपटॉप कंप्यूटर रखे हैं, ये सर्वर है दो, ये दो सर लैपटॉप रखे हैं, सब रखा है, कागज़ हैं, इतने सारे फाइल हैं, मगर आग फैली नहीं। अभी चालू करके हम टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ खराबी। ये चालू है, ये चालू हो गई, एक हमारी संस्था है ना, एक हमारा फ्लोर चालू है, अभी ये फ्लोर चालू है हमारा फ्लोर, इंटरनेट भी देना ज़रूरी है, सुबह से एम्प्लॉई आए हुए हैं, है ना। ये देखो, तो मैं इसमें माता रानी का चमत्कार मानता हूँ, आशीर्वाद मानता हूँ। पॉजिटिविटी ये है, पॉजिटिव साइड ये है इस चीज़ की कि आग फैली नहीं। तो पूरा सर्वर रूम रात में, क्योंकि जब कल मैं 7:30 में यहाँ से गया था, जब तक सब नॉर्मल था, पता नहीं कब कितनी रात को हुआ होगा, और पता नहीं क्यों रुक भी गया वो, आग फैली नहीं, है ना। वो हम मुझे बड़ा चार जितने लोगों को मैं बता रहा हूँ वो सब ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं फैली। नहीं तो देखो, ये आग फैलने में देर नहीं करती पीछे से, है ना। तो ये कृपा है और क्या दोस्तों, बुरे वक्त में ही तो कृपा समझ में आती ना। ये देखो, सब पूरे में फैल जाती है, लकड़ी का सामान रखा, ये सब बहुत ईजीली फैल जाती है। मैं अभी भी बहुत हूँ, है ना सूरज, क्यों नहीं फैली आगे बता, तुझे थोड़ा क्या लग रहा है का आशीर्वाद है मुझे एक चीज़ और। चलो दोस्तों, ऑफिस जल्दी आ गया था मैं आज, तो आज चाय भी पी के नहीं आए, तो सूरज चाय लेके आए हमारे लिए, सूरज ने। अब चाय पीते हैं फिर काम पे लगते हैं। तो कल रात को भोपाल इंदौर में बहुत पानी गिरा, रात भर पानी गिरा, मतलब 24 घंटे कंटे में पानी गिरा। जय माता दी, है कि नहीं। हाँ बहुत यार, आग फैलती है यार ऐसे में, तो ये फैलती है। जो बड़े बड़े हादसे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि छोटी जगह से आग फैलती है, मगर बिलीव्स हैं मेरे, सही बात। नहीं तो आज क्या होता है, मेरा ऑफिस की मेरी जॉब की लेन देन लग जाते कहीं सच में, क्योंकि क्या पता जो हमारे मालिक हैं उनके क्या सवार हो, तुमने ध्यान नहीं दिया, आग कैसे फैल गई, क्या करते हो, सब एक साथ क्यों रखते हो। हालांकि इतने सालों से रखा ही, 6 साल से ऐसे ही रखा है, वो तो हो गया, आज पहली बार हुआ है। मैं जैसे अंदर घुसा तो मैंने कहा क्या जलने की स्मेल आ रही है, जलने की नहीं आ रही, जलने के बाद की स्मेल मुझे जो अलग फील होती है ना सूरज, यही कहता ना आते से जलते समय की पता नहीं मेरी नाक ने कैसे पकड़ा उसको। तो दोस्तों, मैं मालवीय जी का वेट कर रही थी और मुझे नींद आ गई, एंड फिर अभी फ़ोन किया तो पता चला वो नहीं आ रहे हैं, उनके ऑफिस में आग लग गई। मैं भी एकदम से, मेरा रिएक्शन था क्या हो गया, तो जो भी है थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रूम है, वो है नेटवर्क एडमिन, तो उनकी जवाबदारी है, तो हो सकता है इंक्वायरी भी हो, उन्हें रीज़न तो बताना ही पड़ेगा जो भी है उनके ऊपर ऑफिशियल्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कुछ गड़बड़ ना हो, थोड़ा सारा तो रहता है, किस रीज़न उन्हें देना होगा, ऐसा कैसे हुआ, जवाबदारी तो उन्हीं की बनती है। कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ क्वेश्चनिंग मालवीय जी से ही होने वाली है, तो आज तो वो नहीं आ रहे, होप वो जवाब दे पाए क्या है क्या नहीं, घर आएंगे तभी पता चलेगा। और बारिश फाइनली आने लगी है, कंटिन्यू हो रही है, अभी बहुत तेज हवा चल रही थी, बच्चे सोए थे तो मेरी भी थोड़ी नींद लग गई है। क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो गए, नीचे क्यों नहीं उतर रहे, सो के उठे, यहीं खेलना है, लेकिन डर लगता है यहाँ, मैं छोड़ नहीं सकती इनको अकेला। गीत दीदी, आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ, कम मीत मम्मा पास आ जाओ, बैठे हैं लड्डू गोपाल, आ नहीं रहे, आ जाओ, आता है दोस्तों। अब इन ये लोग क्या उतर जाते हैं, ऐसे पीछे मुड़ते हैं, और इनको उतरना आता है, लेकिन फिर भी डर लगता है, थोड़ा सा ऊंचा है, ये अलग बेड है ना, आ जाओ, आ जाओ मी। देखो दीदी भी बुला रही है, दीदी खींचना नहीं बेटा, वो खुद से आएगी, खींचो नहीं, खींचो नहीं गीत, वो खुद से आएगी, नहीं नहीं गीत, वो खुद से आएगी बेटा, आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ, आ जाओ, नहीं आ रही, चलो अपन चलते हैं, क्यों क्यों नहीं चले अपन, बाय 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 कर दो, बाय कर दो, बाय मीत, हम जा रहे हैं, बाय बाय। फिर भी कहीं रुक रहा है क्या, खेच ले तो साफ ही हो जाएगा बेचारा।
या तो उसको ऐसा कुछ करेंगे अपन कि ऊपर रख दें, खुले में भी रखा रहेगा, नहीं तो नहीं ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं तो सेफ नहीं है। तो दोस्तों पूरा काम चल रहा है अभी तक, तो हालांकि बहुत सारा रायता फैल गया और आज खाना वाना सब भूखे। तुम लोग खाना खा के आए कि नहीं आए? तुम लोग तो खाना खा के निकलते ही होगे ना साथ में। अभी काम चल रहा है तो भूख लग रही, तो भूख लग रही, तुमने क्या करा? अब यही मंगा लिया कुछ खाना, तो खाते हैं। मुझे सोचा था चले जाऊँगा, चलो ऑफिस का काम ज़्यादा जरूरी, यही तो वाइट लग जाती है आज, भगवान ने बचा लिया है कसम से। तो खाना तो हो गया है, जो भी था वो टेस्टी था, बता नहीं सकता मैं क्योंकि वो अच्छा नहीं है बताने लायक चीज़ें, पर ठीक है, इसको सही करवा दिया है। उम्मीद आगे कभी फ्यूचर में कभी ना ऐसा हो, है ना दोस्तों। नानी ने गिरा दिया है रीत को, अभी बड़े मुश्किल से चुप हुई है। मीत है, ओके सॉरी मुझे नहीं पता दोस्तों। आ जाओ, गिर गई, कोई बात नहीं, गिरते रहते बच्चे, आ जाओ मम्मी पिंगे। वाले जी घर आ चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब वक्त आ गया। वाले जी बताओ क्या रहा आज का दिन? बहुत ज्यादा थक गए। एग्जैक्टली हुआ क्या था वो सब वीडियो में बता चुका हूँ आपको, नहीं मैंने नहीं देखा ना वीडियो, मैं आपको अलग से बताऊंगा तो यही सेम चीज रिपीट होगी वीडियो में। अच्छा हाँ, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि क्या हुआ, चमत्कारी था, माता रानी का आशीर्वाद था, हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे। नहीं तो आपने अपने वो जो सर वगैरह उनको मेल कर दिया सब, ऐसा रीजन वीजन वो गड़बड़ तो नहीं हुई कुछ आपसे? तो कुछ नहीं ना ऐसा, मुझसे क्या हुआ वो तो अंदर था ना, मेरा अंदर था, तभी तो कह रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके ऊपर मेरी वजह से जॉब क्या होता है, तो कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब है यार, है ना, कुछ बड़ा जान माल का नुकसान होता है पूरे, क्योंकि वहाँ पे तो सब लकड़ी की चीजें हैं और बुक्स वो हैं, कापी का पेपर है ना, तो उनमें हो सकता था। तो दोस्तों जो भी हो अच्छे कर्म है, आप लोग की ब्लेसिंग है। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, आड़े आ जाते हैं, बुरा होने से बच जाता है, छोटी मोटे दुख सह लेने चाहिए। हाँ, तो इसलिए हम छोटी छोटी चीजों के लिए किसी को परेशान नहीं करते, है ना। इसलिए हमने हमारे प्लॉट पे कुछ भी हुआ, हमने कहा चलो तो अभी तो शुरुआत थी, उसमें हमने वही मैनेज कर लेंगे, कुछ बहुत बड़ा होगा सामने आएगा तो पता तो करेंगे ना। इसलिए तो दोस्तों आज का वीडियो, मेरे आज तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, पता नहीं रचा मैं वीडियो बनाया कि नहीं, मुझे नहीं पता, थक गई हूँ, नींद आ रही है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा यार, ये मानते नहीं है ना यार। तो दोस्तों अपना ध्यान रखना, प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट। आज मौसम बदला है फिर से, चार पांच दिन बारिश के बाद।